हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग गिव इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरेक्नीडा। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एरेक्नीडा। तो अगर हम बात करें एरेक्नीडा की, तो एरेक्नीडा जो है ये क्या है, ये आर्थ्रोपोड्स है। सो दीज आर द क्लास ऑफ जॉइंट लेग्ड इनवर्टिब्रेट। इनमें खास बात ये होती है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है 8 लेग्स। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनमें 8 लेग पेयर प्रेजेंट होता है। इनमें इन 8 लेग्स में जो फर्स्ट पेयर होता है, फर्स्ट पेयर वो क्या होता है, वो होता है आपका चिली सेरा विच सर्व इन फीडिंग एंड डिफेंस। जब नेक्स्ट पेयर जो होता है उसके बाद वो क्या होता है, नेक्स्ट पेयर आपका होता है पेडी पेल्प्स। ये हेल्प करता है फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन एंड ऑल्सो इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट जो इसका फीचर होगा वो ये कि इनका जो बॉडी है वो कैसा होता है, वो सेगमेंटेड होता है। सो दे हैव ए सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी जो है मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट को कहा जाता है क्या, प्रोजोमा। दूसरे पार्ट को कहा जाता है ऑफिस्टोजोमा। ये जो प्रोजोमा है इसमें होता है क्या, इसमें होता है आपका हेड एंड थोरैक्स। वही जो प्रोजोमा होता है ये किसको एंकर करता है, ये एंकर करता है चिली सेरा एंड पेडी पेल्प्स को एंड दी 4 पेयर ऑफ लेग्स। जो ऑफिस्टोजोमा है ये क्या बियर करता है, इट बियर दी सेंसरी जेनाइटल ओपनिंग। ये क्या बियर करता है, ये बियर करता है सेंसरी जेनाइटल ओपनिंग, सेंसरी जेनाइटल ओपनिंग। इसलिए जो ऑफिस्टोजोमा है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी एब्डोमेन। इसको एब्डोमेन भी कहा जाता है। कुछ कुछ केसेस में देखने को ये मिलता है कि जो एब्डोमेन है वो थॉरेक्स के साथ मर्ज किया हुआ रहता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें एब्सेंस दिखता है हमें किसका, इनमें हमें एब्सेंस दिखता है ऑफ एंटीना का, एब्सेंस ऑफ एंटीना। इसके अलावा इनमें हमें एब्सेंस देखने को मिलता है किसका, विंग्स का। वी कैन सी दी एब्सेंस ऑफ विंग्स। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन वो बना हुआ होता है प्रोटीन का एंड काइटीन का। काइटीन क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जनरली कार्निवोर्स होता है, इसलिए ये फीड करता है किसमें, ऑन द बॉडी फ्लूइड ऑफ देयर प्रे। इसके अलावा अगर बात करें तो ये होता है आपका कोल्ड ब्लडेड। मतलब देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर एनवायरमेंट। इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, सो देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज बुक लंग्स। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन देम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द हार्ट टू एन एनलार्ज ब्लड स्पेस बाय द यूज ऑफ द आर्टरीज। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है हीमोसाइनिन। अगर हीमोसाइनिन की बात करें तो हीमोसाइनिन किसमें, इसका फंक्शन सिमिलर होता है टू दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन, लेकिन ये कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है। इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। सो इट इज ब्लू कलर्ड एंड इट कंटेन एंड कंटेन कॉपर, और ये कंटेन करता है कॉपर को। इसका हायर एफिनिटी होता है फॉर ऑक्सीजन, और इसलिए ये ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए यूजफुल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।